A very very good evening to everyone. So this is Adishan IS and I welcome you all at 1.5 year current phase series. 1.5 year current face series Aapka So kindly let me know that I am audible or not, first of all, so that we can start the lecture. Anybody in the class can give me a thumbs up so that we can start the lecture. सो दिस इज लेक्चर नंबर 14 इससे पहले इसका मतलब यह है कि इससे पहले 13 लेक्चर हो चुके हैं थर्टी लेक्चर के अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में करंट अफेयर समझने की कोशिश करिए एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स 2024 प्रीलिम्स 2024 को अगर आपको सिक्योर करना है तो ये सीरीज आपको देखनी पड़ेगी ये हम थोड़ी दिनों के बाद वापस रिज्यूम कर रहे हैं और ऐसे ही चलेगा टुकड़ों में सीरीज चलती रहेगी आप इसके अंदर बस देखते रहें आप इसके अंदर एक टेलीग्राम ग्रुप है जनरल स्टडीज विद देवराज वर्मा जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है उसके अंदर आपको मिल जाएगा उसको ज्वाइन कर लें जिससे कि सारी पी आपके पास यहाँ पर रहेंगी ठीक है वन से लेकर थर्टीन लेक्चर की पीडीएफ मैंने आपको भेज दी है एक कंपाइलेशन भेजा है उसके अंदर वो देख लीजिएगा इसके आगे के आज हम टॉपिक पढ़ेंगे देर आर फाइव टॉपिक्स टूडे इको साइड ईको साइड क्या होता है पहली बार आपने सुना होगा मैंने भी पहली बार सुना था ये वर्ड जब मैं इसको प्रिपेयर कर रहा था कल ही सुना है ठीक है चलने वाली लीव्स क्या ये लीव्स हैं या फिर ये कुछ और है ये अपन इसके अंदर समझेंगे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट क्या होता है ये हम इसके अंदर समझेंगे लैब ग्रोन डायमंड क्या होता है और आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट क्या है ये सब चीजें हम इसके अंदर समझेंगे बट बिफोर स्टार्ट कर ली लेट मी नो दैट आई एम दल ऑन कैन स्टार्ट द लेक्चर एनी बड़ी इन द क्लास कैन कैन गिव मी थम्स अप सो दैट वी स्टार्ट द लेक्चर चलिए तो सबसे पहले इकोसाइड का मानिए हम समझते हैं सर हमने बहुत सारे वर्ड सुने है साइड का मतलब सर टू किल होता है है ना जैसे जीनोसाइड जीनोसाइड का मतलब क्या है कि कि बहुत एक कम्युनिटी को मार देना ठीक है? होमी होता है, ठीक है जैसे होता है होता है 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 जैसे जैसे होता 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 सोसाइड सोसाइड खुद को मार देना सोसाइड होता है इसी तरह से इको को मार देना इकोलॉजी मतलब एनवायरमेंट को मार देना दैट इज नोन एज इकोसाइड तो इकोसाइड क्या होता है इकोसाइड एक्चुअली एनवायरमेंट को किल करना दैट इज नोन एज इकोसाइड तो इकोसाइड का मतलब ऐसे है अनलॉफुल एक्ट करना ऐसे अनलॉफुल काम करना जिससे कि क्या है एनवायरमेंट को लॉन्ग टर्म डैमेज हो जाए और एनवायरमेंट पूरा बर्बाद हो जाए दैट इज नोन इको इकोसाइड तो अभी इकोसाइड क्यों है न्यूज के अंदर बिकॉज आप देखेंगे सितंबर फोर की न्यूज है हिंदू की द हिंदू की न्यूज है और इसके अंदर ये लिख रखा है कि मेक्सिको और दूसरी कंट्रीज चाहती हैं कि क्रिमिनलाइज करा जाए एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन को कि एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जो है उसके अंदर इंटरनेशनल लॉज बनाकर उसको भी क्रिमिनल जैसे मैंने किसी एथनिक कम्युनिटी को मान ली किसी ने मार दिया तो उसको अपन जीनोसाइड करते हैं इसी तरह से एनवायरमेंट जो है उसको डैमेज कर दिया अगर आपने मान लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए तो उसको भी एक तरह से इकोसाइड बोलना चाहिए उसके लिए भी क्राइम होना चाहिए इंटरनेशनल लॉज के अंदर इस तरह से यहाँ पर बताया गया है तो देखो इकोसाइड डेराइव फ्रॉम द ग्रीक

ठीक है माइनिंग कर लिया या फिर पोल्यूटिंग रिवर रिवर को पोल्यूट कर दिया तो दिस इज नोन एज वॉट दिस इज नोन एज इको साइड अब ये इको कोई टर्म थी क्या पहले ये टर्म नहीं थी 1970s के अंदर एक पर्सन थे गैल स्टोन ठीक है गैल स्टोन ने ये टर्म को बहुत पॉपुलराइज करा था और उन्होंने कहा था कि भाई इसके अंदर क्या होना चाहिए इसकी जैसे आ, लोगों को मार देते हैं तो उसके लिए क्राइम होना उसको इंटरनेशनल क्राइम मानते हैं इसी तरह से क्या है इस तरह से इकोसाइड एनवायरमेंट को अगर आप मान रहे हैं को अगर हानि पहुंचा रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो इसको भी क्या करना चाहिए इसको भी एक तरह से इंटरनेशनल लॉस के अंदर मानना चाहिए अच्छा नाइनटीन में ऐसा क्या हुआ आर्थर गर्लस्टोन ने इस तरह से क्यों बोला बिकॉज यहां पर एक हरबी यूज कर रहे थे ठीक है कौन यूएस uh, की मिलिट्री यूएस की मिलिट्री ने वियतनाम के ऊपर वॉर करा था वियतनाम के ऊपर वॉर करा था तो वहां पर एक हरीबी साइड यूज करी थी उन्होंने जिसको बोलते हैं एजेंट ऑरेंज ठीक है, है वियतनाम वार के अंदर जिससे कि वहां की जो भी फसलें थी ना वो खराब हो रही थी एनवायरमेंट का डिस्ट्रक्शन हो रहा था तो बायोलॉजिस्ट बायलॉजिस्ट अर्थर्लस्टो इन नाइनटीन क्रेडिटेड टू बी फर्स्ट टू लिंक द एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन विद द विदोसाइड कि जैसे हम जीनोसाइड करते हैं कि एक समुदाय के लोगों को मार दिया वैसे ही एनवायरमेंट को लॉन्ग टर्म डैमेज कर देंगे तो उसको इकोसाइड बोला जाएगा

इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर इको साइड के लिए कोई भी लॉ नहीं जैसे आपको बताया। के लिए है, क्राइम है तो उसके लिए कानून है पर्टिकुलर कानून है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर ठीक है बट इकोसाइड के लिए कोई भी इंटरनेशनल इसको इंटरनेशनल क्राइम नहीं माना जाता तो आपसे में पूछा जाए कि इकोसाइड क्या होता है इकोसाइड को क्या इंटरनेशनल क्राइम मानते हैं नहीं मानते हाँ

और लीफ की तरह पत्तियों में खो जाता है और इसको वॉकिंग लीफ की तरह से बोलते हैं तो अभी देखिए वॉकिंग लीफ न्यूज के अंदर इसलिए बिकॉज इंटरनेशनल रिसर्च टीम ने अभी कुछ स्पीसीज को सेवन प्रीवियसली अनोन स्पीसीज को लीव लीव इंसेक्ट्स को ठीक है अभी इसको रिकॉग्नाइज करा गया है ठीक है दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज वॉकिंग लीफ इन इज इन द न्यूज तो तो वॉकिंग लीफ लीफ नहीं है साहब वॉकिंग लीफ लीफ की तरह दिखता हुआ इंसेक्ट है कीड़ा ठीक है अब इसके बारे में थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं दे आर आर ग्रीन इंसेक्ट ठीक है है एंड नोन फॉर देयर लीफ लाइफ इसलिए इसको इनको जाना जाता डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें इंडियन ओशन के आइलैंड्स के अंदर इसका डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर पाए जाते हैं साउथ एशिया के अंदर पाए जाते हैं साउथ ईस्ट एशिया के अंदर पपुआ न्यू गुनिया के अंदर पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं वेस्टर्न पैसिफिक के अंदर ठीक है अब इसका एक पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक से मेल्स जो होते हैं ना वो छोटे होते हैं ठीक ने और फीमेल जो होती है वो बड़ी होती है यहाँ पर ठीक है ये याद रखना मेल छोटे होते हैं फीमेल बड़ी होती है ठीक है तो मेल्स आर स्मॉलर देन द फीमेल्स ये इन वॉकिंग लीव्स की ये है ठीक है है ना चल चल के चल चल के मेल घिस गए फीमेल घर के अंदर रहती थी तो वो बड़ी हो गई राइट इस तरह से याद कर लो दूसरा ये नॉकटर्नल है नॉकटर्नल का मतलब क्या होता है कि जो रात में रखते हैं रिजल्टिंग रि इन रिलेटिव लैक ऑफ मूवमेंट ड्यूरिंग द डे डे के अंदर ज्यादा मूवमेंट नहीं करते रात के है ये शहचा होते हैं ना शहचा जो रात में निकलते हैं ठीक है वैसा है ये भी ये भी रात के अंदर निकलता है राइट तो आई होप दिस इज क्लियर टू नेक्स्ट इज फ्युजीटिव ऑफेंडर एक्ट ठीक है फ्युजीटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैंक से पैसा उठाते और बाहर भाग जाते हैं उनको बोला जाता है भगोड़ा ठीक है जैसे विजय माल्या हो गए जैसे नीरव मोदी हो गए ठीक है तो अभी एक यूनियन मिनिस्टर ने यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने अभी पार्लियामेंट के अंदर ये कहा है कि एसेट 1.8 बिलियन डॉलर के एसेट्स जो है ना इनके हमने क्या कर लिए जब्त कर लिए और उससे रिकवर रिकवरी कर लिए भाई ये करोड़ों रुपए लेके चल जाते हैं तो इनके एसेट जो घर में है हमारे यहाँ पर है भारत भारत के के अंदर या फिर बाहर तो उनके उनके एसेट्स को को फ्रीज कर दिया जाता है एसेट को बेच कर, इतना पैसा हमने रिकवर कर लिया है ऐसा हमारे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने इसके अंदर बोला है इसलिए न्यूज के अंदर आ गया तो सबसे पहले फ्यूजिटिव एफेंडर होता क्या है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक एफेंडर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अफेंडर मतलब विजय मालिया विजय माल्या ने क्या करा दस बैंक से है ना दस दस बैंकों से क्या करा लोन लिया और लोन लेके गायब ठीक है ऑफेंडर हो गया ठीक है फ्यूजिटी मतलब भगोड़ा हो गया ठीक है अब ऐसे विजय माल्या को तो फ्यूजिटी ऑफेंडर सर अगर मैं मान लो हजार रुपए लेता हूं बैंक से और मैं भाग जाता हूं तो मेरे को फ्यूजिटी ऑफेंडर मानेंगे नहीं एक औकात के हिसाब से पैसा लेना होगा आपको कम से कम हंड्रेड करोड़ रुपए आपको लेने होंगे और फिर आपको भागना पड़ेगा तब जाकर आपको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर का

तो गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दिया फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 और उसके अंदर ऐसा बोल दिया कि जो भी भागेगा ऐसा पैसा ले लेके भाग जाएगा उसकी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट करेंगे ठीक है हु हैव लेव द कंट्री टू अवॉइड द फे अवॉयड फेसिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और रिफ्यूज टू रिटर्न द कंट्री टू फेस द प्रोसिक्यूशन तो विजय मल्या टाइप के लोग लंडन जाके बैठ गए वो कहने रहे कि हम कंट्री में नहीं आएंगे नहीं तो हम आप लोग हमको जेल में डाल देंगे तो हम यहीं रहेंगे तो ऐसे लोग कहेंगे कि भाई तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है ना उन सबको हम क्या करेंगे उस सबको हम जपत कर लेंगे कन्फिस्केट कर लेंगे ठीक है तो ऐसे करते हुए बिलियन डॉलर जो है ये गवर्नमेंट ने यहां पर कमा लिए तो देखो कुछ ऑफेंसेस जो है इस लिस्ट के अंदर जैसे काउंटरफिटिंग गवर्नमेंट स्टैम्प और द करेंसी गवर्नमेंट करेंसी नकली करेंसी ले लें ले या फिर गवर्नमेंट स्टैम्प को यूज कर चेक डिसऑनर हो जाए ठीक है मनी लॉन्ड्रिंग हो जाए क्रेडिटर्स uh, जो बैंक से पैसा लिया और होना चाहिए, ये आपको इसके अंदर याद करना है। कौन कौन से ऑफेंस है इसके अलावा आप देखो एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल में बार एन एफ फ्रॉम फाइलिंग और डिफेंडिंग एनी सिविल केम बिफोर इट अब देखो जैसे मान लो विजय माल्या है। विजय माल्या कहे कि अपने जो है आ, इंडियन जुडिशियरी के अंदर कुछ सिविल केस फाइल कर दे सिविल क्लेम फाइल कर दे ऐसा कुछ कर दे कि जिससे कि उसकी बेल बेल और ये सब चीजें तो ऐसा बार हो सकता है कोई भी कोर्ट कोई भी ट्रिब्यूनल उसको बोल सकता है कि भाई हम तुमको कोई भी सिविल क्लेम जो तुम रखोगे उसको हम नहीं सुनेंगे ठीक है क्योंकि तुम फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर हो ठीक है इसके बाद कोर्ट में बार ए कंपनी फ्रॉम फाइलिंग और डिफेंडिंग एनी सिविल क्लेम इफ द प्रोमोटर की मैनेजरल पर्सनल और मेजोरिटी स्टेक होल्डर हैज बीन डिक्लेयर्ड डिक्लेयर द एफयू अगर इनमें से कोई भी एफयू डिक्लेयर हो गया तो कंपनी कंपनी क्योंकि एक लीगल पर्सन है खुद अपने आप में एक पर्सन होता है लीगल पर्सन होता है तो कंपनी अगर कोई फाइल कर रही है सिविल क्लेम तो कंपनी का अगर मान लीजिए कोई की मैनेजरल पर्सनल कोई एमडी वेमडी जो है वो मैनेजर या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर सीईओ पैसा लेकर भाग गया तो कंपनी से बोलेंगे भैया तुम भी नहीं कर सकती कंपनी बोलेगी मैं क्यों नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारा मैनेजिंग डायरेक्टर पैसा लेकर है या तुम्हारा मेजोरिटी शेयर होल्डर पैसा लेकर है तो ले कंपनी तो भी सिविल क्लेम्स नहीं कर सकती और वो पर्सन भी सिविल क्लेम नहीं कर सकता जो कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है कंपनी जिसके

कि लगा सकते हैं मैं बताऊंगा और कौन कौन लगा सकते हैं ठीक है तो अभी इन्होंने देखो देखा इन द पार्ट ऑफ द नागालैंड अरुणाचल प्रदेश बाय अनादर सिक्स मंथ अनादर सिक्स मंथ के लिए आसपा लगा दिया तो आसपा है क्या ये अपन इसके अंदर समझते हैं आपने सुना होगा आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट ठीक है और जो लोग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जैसे जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर रहते हैं मणिपुर के अंदर रहते हैं नागालैंड के अंदर रहते हैं इन लोगों ने काफ़ी इसके बारे में सुना होगा और उसको फेस भी करा होगा आफ्सपा है क्या ये एक एक्ट है साहब अच्छा सर कानून है कब निकला सर नाइनटीन के अंदर निकला था और इस एक्ट के अंदर क्या होता है कि मिलिट्री पर्सनल जो होते हैं आर्म फोर्सेज जो होती है ना उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दे देते हैं क्यों एक्स्ट्रा ऑर्डेनरी पकड़ दे दिया है जिससे कि वो डिस्टर्ब एरिया के अंदर वापस से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके क्यों जिससे कि डिस्टर्ब एरिया के अंदर जो एरिया डिस्टर्ब हो चुका है उसके अंदर वापस से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके जैसे कि अरुणाचल प्रदेश नागालैंड यहाँ पर क्या है यहाँ पर आप देखेंगे तो शीशनेस टेंडेंसी बहुत ज्यादा है है ना ट्राइबल लोगों के अंदर आपस में नहीं बनती आपस में लड़ लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर क्या है ऑस्पैक लगाए हुए प्लस ये बॉर्डर कंट्रीज है ठीक है दो बॉर्डर शेयर कर रही है दूसरी कंट्रीज से तो वहां पर एक तरह से आर्मी को स्पेशल पावर दे रखिए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावर दे रखिए टू द आर्म फोर्स टू ब्रिंग बैक ऑर्डर इन द डिस्टर्ब एरिया ठीक है अब डिस्टर्ब एरिया का मतलब कोई भी एरिया जो कि डिस्टर्ब हो एरिया आर कंसिडर्ड डिस्टर्ब बाई रीजन ऑफ डिफरेंसेज और डिस्प्यूट बिटवीन द मेंबर ऑफ डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी रेशियल कम्युनिटी लैंग्वेज रीजनल ग्रुप कास्ट और कम्युनिटीज उसको अपन क्या कहेंगे उसको अपन डिस्टर्ब एरिया बोलेंगे तो कोई भी डिस्टर्ब एरिया के अंदर आसपास लगा सकती है कौन लगा सकते हैं ये अपन इसके अंदर बताएंगे यहाँ पर क्या है आर्म फोर्ससेज को एक्स्ट्रा ऑर्डररी पावर मिल गई अब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावर का मतलब क्या है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावर का मतलब यह है देखिए फायर अपॉन एनी वन आफ्टर गिविंग वार्निंग पहले वार्निंग दी जो कि अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर काम कर रहा है डिस्टर्ब एरिया के अंदर उसके ऊपर फायर आप कर सकते हैं आर्म फोर्सेस को यहां पर इम्यूनिटी इस तरह से प्रोवाइड करी गई दूसरा अरेस्ट एनी वन विदाउट वारंट आप अरेस्ट करने गए उसने बोला भाई वारंट का है तो बोले वारंट की जरूरत ही नहीं है क्यों नहीं है वारंट की जरूरत क्योंकि आप यहाँ पर आसपा लगा हुआ है हमारे पास एक्स्ट्रा पावर है ठीक है फिर स्टॉप एंड सर्च एनी व्हीकल और द वेसल कोई भी व्हीकल और वेसल को आप सर्च कर सकते हैं आर्म फोर्स पर्सनल है उसके लिए लीगल इम्यूनिटी यहाँ पर होती है

कम से कम तीन महीने के लिए लगेगा अब वैसे तो यहाँ पर इन इन एक्ट्स के प्रति इम्यूनिटी दे रखी कि है कि आर्मी पर्सनल को इम्यूनिटी है बट यहां पर आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ हम बताएंगे 2016 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था देखिए आर्म फोर्स कुड नॉट बी इम्यून फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन ऐसा नहीं है कि आर्म फोर्स ने किसी को गोली मार दी क्योंकि आसपा लगा हुआ था उसके अंदर तो इनका कुछ हो नहीं सकता नहीं यहां पर इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है अगर मान लीजिए वो कोई क्राइम कर रहे हैं ठीक है क्राइम कर रहे हैं आस के नाम पर तो ऐसा नहीं होने देंगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा दो के अंदर सुप्रीम कोर्ट रूल देता आर्म फोर्स कुड नॉट बी इम्यून फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन फॉर एक्ससिज कमिटेड ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ देयर वैल्यूज इवन इन द डिस्टर्ब एरिया डिस्टर्ब एरिया के अंदर भी ये नहीं कर सकते अच्छा मान लीजिए आर्म फोर्स ने किसी आदमी को पकड़ लिया अब पकड़ लिया तो कहीं आर्म फोर्स अपने पास से रखे आदमी को गायब कर दिया दिया आर्म फोर्स ने मार तो कहीं और गार्ड दिया ऐसा भी हो सकता है तो यहाँ पे ऐसा बोलता है सुप्रीम कोर्ट कि देखो कोई भी अगर पर्सन को अरेस्ट करा गया तो आर्मी अथॉरिटी की ड्यूटी बाउंड है कि उसको हैंड ओवर करा जाए अरेस्टेड पर्सन को टू तो द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द नियरेस्ट सिविल पुलिस स्टेशन जो पुलिस स्टेशन है उसके पास दिया जाए विद एटलीस्ट पॉसिबल डिले कम से कम पॉसिबल डिले के अंदर करा जाए। तो ये इस तरह से कुछ क्लिप करे विंग्स को ठीक है हो सकता है कि आपने आसपा का गलत इस्तेमाल कराओ और दूसरा आर्मी अथॉरिटी ने अगर किसी पर्सन को अरेस्ट करा है तो उसको उठाकर कहां पर पुलिस स्टेशन लेकर जाना पड़ेगा जल्दी से जल्दी ठीक है अच्छा सर ये आसपा एक्ट कहां लगा हुआ है अभी आसाम के अंदर लगा हुआ है नागालैंड के अंदर लगा हुआ है मणिपुर के अंदर और अरुणाचल प्रदेश के अंदर इस तरह से आप इसके अंदर याद रखेंगे ठीक है तो माँ से याद कर लो माँ है ना है ना और एक नागालैंड ठीक नागा नागा है नागालैंड नागालैंड के अंदर बहुत सारी शिक्षण टेंडेंसीज है ठीक है आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश के अंदर चाइना से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है प्लस यहाँ पे भी शिक्षण टेंडेंसी है मणिपुर जहां पर मणिपुर के अंदर तो आपने सुना ही है आसाम तो ऐसे भी याद कर सकते हैं सैम जो है ना और अरुणा है ना आसपा अरुणा मनी लेकर मनी लेकर भाग रहे थे ठीक है भाग रहे थे ठीक है मनी लेकर और एक वो था ना नाग मनी, नाग मनी अपने नाग पहले अली फल के अंदर आता था नागमणि मनी।, मनी और नागमणि लेकर भाग रहे ठीक है ठीके? तो उनको पकड़ने के लिए आसपा एक्ट लगा दिया गया अब याद हो जाएगा देखो ऐसी स्टोरीज के देखो सैम नाम का लड़का अरुणा नाम की लड़की पैसा लेकर मणिपुर ठीक है और मणि लेकर ठीक है क्लियर होगा नेक्स्ट जो है दैट इज लैब ग्रोन डायमंड आपने सुना होगा डायमंड कैसे पैदा होता है डायमंड सर हम बताएं आपको क्या होता है कि मान लीजिए कुछ हाइड्रोकार्बन है ठीक है ना अगर मान लीजिए वो कुछ देर के लिए हीट और प्रेशर के अंदर रह गया हीट और प्रेशर के अंदर जमीन के अंदर गढ़िया और हीट और प्रेशर के अंदर रहा तो वो क्या होता है वो कार्बन बनता है और फिर कार्बन के ऊपर भी और हीट और प्रेशर बनता है तो वो हीरा बन जाता है सर वो डायमंड बन जाता है इसमें सर करोड़ों साल लग जाते हैं कभी कबार क्या होता है इसके अंदर करोड़ों साल लग जाते हैं पर आपको क्या पता है कि लैब के अंदर भी हम डायमंड बना सकते हैं क्या बात कर रहे हैं सर यस अभी लैब के अंदर हम डायमंड बना सकते हैं और यूएस की फर्स्ट फर्स्ट लेडी जो है जिल बाइडन जो बाइडन की पत्नी उनको हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये गिफ्ट भी दिया इको फ्रेंडली लैब ग्रोन कैरेट डायमंड को उन्होंने यूएस फर्स्ट लेडी जिल बाइडन को दिया और ये बहुत ही इको फ्रेंडली भी होता है कैसे इको फ्रेंडली होता है ये अपन इसके अंदर देखेंगे पर सबसे पहले ये समझो लैब ग्रोन डायमंड क्या है लैब के अंदर बनाया जा रहा है ठीक है तो देखो लैब ग्रोन डायमंडक्चरिंग लेबोरेटरी एज अपोज टू द नेचुरंड्रीन डायमंड नेचुरली डायमंड जो होता है जो कि ईयर लगते हैं मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं उसके अंदर बनने के अंदर ठीक है तो ये क्या होता है ये इसके अंदर एक्सट्रीम हीट और प्रेशर भी चाहिए होता है हमें ठीक है डिपोजिट बरीड विद इन द अर्थ है ना जैसे मैंने आपको बताया ये नेचुरल एक्लिंग होता है तो इसके अंदर लैब ग्रोन डायमंड के अंदर ये नहीं होता लैब ग्रोन डायमंड एक तरह से क्या है एक तरह से कम एनर्जी के अंदर बनना वाला डायमंड है जो कि नेचुरल डायमंड जैसा ही लिखता है और इसके अंदर केमिकल वेपोराइजेशन मेथड से ये बनता है सी केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड से ये बनता है ठीक है तो हाउ आर द केमिकल कंपोजिशन एंड अदर फिजिकल प्रॉपर्टी और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जो है ना दोनों की सेम रहती है पर लैब ग्रोन डायमंड जो है लेबोरेटरी के अंदर बन जाता है इसके अंदर ऐसे हजारों साल मिलियन साल नहीं लगते अब देखो थ्रू टू टू टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस होता है ये तो हाई एक तो है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर को दिए जाए कार्बन के ऊपर ठीक है उसको अंदर दिया जाए तब जाकर वो हो होगा दूसरा होता है सीवीडी टेक्नोलॉजी भारत के अंदर सीवीडी टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज होती है तो सीवीडी टेक्नोलॉजी क्या होती है यहां पर अपन इसके अंदर देखेंगे तो केमिकल वेपर डिपोजिशन क्या केमिकल वेपर डिपोजिशन इसके अंदर क्या करते हैं ये देखिए ये एक डायमंड है ठीक है डायमंड की एक स्लाइस लेंगे ठीक है इसको अपन बोल रहे हैं सीड ये स्लाइस लीस और इसको क्या करा इसको 800 डिग्री सेल्सियस के अंदर एक चैम्बर के अंदर रख दिया देखिए, ये यहां पर इसके अंदर लगा दिया और यहाँ पे 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यहां पर रख दिया अब उस टेम्परेचर के अंदर कार्बन रिच गैसेज होंगी कार्बन रिच गैसेज एक चैम्बर के अंदर रख दिया जिसके अंदर कार्बन रिच गैसेज विल बी देयर इस तरह से कार्बन रिच गैसेज अब कार्बन रिच गैसेज है ना ये ये इस ये जो ये जो डायमंड की स्लाइस ली है अपने सीड जिसको अपन बोल रहे हैं इसके ऊपर जाकर क्या होगा ये एक तरह से डिपोजिट होता जाएगा धीरे 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 इस तरह से ये डिपोजिट होता जाएगा और ये स्लाइस जो होगी वो बड़ी होती जाएगी और फिर हम इसको साफ करेंगे और साफ करने के बाद हमें क्या होगा इस तरह से डायमंड यहाँ पर इसके अंदर मिल जाए राइट तो दिस इज नोन एस लैब ग्रोन डायमंड लैब ग्रोन डायमंड में क्या करते हैं देखिए इन सीबीडी मेथड द सीड इज हीटेड टू अराउंड एट डिग्री सेल्सियस इन साइड द कार्बन रिच गैसेज और फिर कार्बन रिच गैसेस जो होंगे कार्बन जो होंगे इसके ऊपर ऊपर वेपर्स के फॉर्म डिपॉजिट होने लग जाएगा जा रहा है। इनके ऊपर केमिकल वेपर डिपोजिशन होने के बाद फिर इसके बाद द एनवायरमेंटल फुटप्रिंट ऑफ डायमंड ग्रो इन द लेबोरेटी इज मच लेसर नेक्रीन डायमंड नेचुरल लक्रीन डायमंड में बहुत सारा आपको एनर्जी चाहिए बहुत सारा हीट प्रेशर चाहिए पर ये जो ग्रीन इस ये जो होता है लैब ग्रोन डायमंड होता है इसको अपन ग्रीन डायमंड भी बोलते हैं बिकॉज पर इतनी एनर्जी हमको नहीं चाहिए है ना अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाय द डायमंड फाउंड्री एंड एनवायरमेंटली कॉन्शियस एलजीडी मैन्युफेक्चर इट टेक्स टेन टाइम्स मोर एनर्जी टू एक्सट्रैक्ट द नेचुरल डायमंड फ्रॉम द अर्थ अगर मान लो आप इसके अंदर वन एनर्जी यूज कर रहे हैं तो अगर अर्थ से अगर आप एक्सट्रैक्ट करेंगे वो डायमंड को ठीक है उसके अंदर गड्ढा खोद के उस डायमंड को निकालेंगे आप तो वो दस टाइम्स ज्यादा एनर्जी आपको यूज करनी पड़ेगी एनर्जी यूज करनी पड़ेगी तो एनर्जी कारण से आएगी एनर्जी एनर्जी आएगी अपना कोई तो को करके ही एनर्जी आएगी ठीक है तो वो एनर्जी यहाँ से बच जाती है ठीक है तो लैब ग्रोन डायमंड इसीलिए इसको ग्रीन डायमंड भी बोलते हैं आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी सारे आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए मैं अभी ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप जनरल स्टडीज विदेवराज जो नंबर में डाल रहा हूँ आप उसको देख लेंटी थर्टीन लेक्चर हो गया जल्द ही मैराथन सेशन करेंगे जिसके अंदर इन सब का एक कंपाइलेशन हम इसके अंदर करेंगे जल्दी ही आने वाले समय में करेंगे uh, एंड ऐसी चलेगी देखिए दो वीक चली क्लास फिर एक वीक नहीं चली फिर दो वीक चली क्योंकि हमारे पास अभी बहुत सारा टाइम है तब तक हम आराम से वन पॉइंट फाइव ईयर के करंट अफेयर्स कर लेंगे तो इसी के साथ साथ आ, हम यहां से विदा लेते हैं आप लोगों से ठीक है दैट्स ऑल